नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साथ ही साथ ग्राम कचहरियों में होने वाले चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो अब अंतिम चरण पे है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही थी, उन तैयारियों का भी अब अंतिम चरण रूप ले रहा है, यानी कि वो तैयारियाँ भी अब अंतिम चरण पर है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं। एक और निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पे संचार से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, ऐसे में उन बूथों पर नज़र रखनी है, साथ ही साथ उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी करनी है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक और निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कई ऐसे बूथ हैं जो मोबाइल नेटवर्क विहीन बूथ हैं, ऐसे में उन बूथों पर भी नज़र रखनी है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों में होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियाँ अब अंतिम रूप ले रही हैं। इसके तहत ही तमाम कवायदे की जा रही हैं। आयोग ने मोबाइल नेटवर्क विहीन बूथों को चिन्हित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, आयोग अपने स्तर से भी कम्युनिकेशन शैडो जोन वाले मतदान केंद्रों की पहचान भी कर रहा है। इसके तहत अररिया, पश्चिम चंपारण, बांका, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, गया और जमुई के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम्युनिकेशन की समस्या को तत्काल चिन्हित करें। इसके साथ ही चुनाव के लिए ईवीएम लाने के लिए दूसरी टीम जो है दूसरे राज्य रवाना करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में कुछ ऐसे हैं जहां संचार व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं वाले कई मतदान केंद्र हैं। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए सभी मतदान केंद्रों से प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कम्युनिकेशन स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कम्युनिकेशन शैडो जोन वाले मतदान केंद्रों की पहचान सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत आम चुनाव का निर्णय लिया गया है। इस लिहाज से आयोग किसी भी स्तर पर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है। समय रहते बारीकी से एक एक इंतजाम को सुनिश्चित करने की पहल की जा रही है। बता दें कि 30 राज्यों के विभिन्न जिलों से ईवीएम लाने के लिए अलग अलग टीमें बीते सोमवार को बिहार से रवाना कर दी गई हैं। कई जिलों को 6-6 राज्यों के 5 से 8 जिलों से ईवीएम मंगानी है। ऐसे में आयोग ने 15 जुलाई तक ईवीएम मंगाकर दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। बीते दिन यानी कि सोमवार की देर रात कई टीमें जो है 30 राज्यों के अलग अलग जिलों में रवाना की गई है ताकि वहां से ईवीएम लाया जा सके। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 15 जुलाई तक उसे दुरुस्त भी कर लेना है, यानी कि ईवीएम में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो 15 जुलाई तक इसे मरम्मत कर लिया जाए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।